us apart and bury me. Hi guys, welcome back to the channel. Actually, आज मैं मेरा गाड़ी पे सुपर सिरेमिक कोटिंग का जो ग्लॉसी फिनिश पे जो कोटिंग आता है वो मैंने कर रहा हूँ, और ये मेरा सेकेंड डे है. ड्यू टू सम प्रॉब्लम फर्स्ट डे जो मतलब फास्ट कोटिंग है वो इधर मैंने कर नहीं पाया था. वो मैंने मेरा घर के सामने बाहर पे किया था. उस टाइम पे उतना मैंने वीडियो पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि वो उसका भी वीडियो है, वो मैं बाद में डाल दूँगा. सो एक्चुअली ऐसे करके सुपर सिरेमिक कोटिंग का एक सिरेमिक कोटिंग आपको मिलेगा 2500 में मुझको पड़ा था. ये दोनों बोतल, ये बोतल पूरा खाली हो गया क्योंकि मतलब फास्ट कोट टोटली हो गया था एक बोतल से, और वो फास्ट बोतल से ही मेरा ये बोनेट भी हो गया. अभी मैंने मेरा जो है सेकेंड बोतल ओपन किया हूँ, और ये वीडियो पे मैंने यही कवर करूँगा कि मतलब कैसे अगर आप ये जो सिरेमिक कोटिंग जो घर पे बन सकता है, मतलब घर पे आप कर सकते हो, वो कैसे करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक क्लॉथ और ये स्पॉन्ज मिलेगा आपको. तो आपको करना यही है, फर्स्ट इसका यहाँ पर होल करना होगा, उसके बाद ऐसे सिरेमिक कोटिंग आप डालोगे. और क्योंकि मेरा मैंने ये जो बोनेट है इधर कर दिया, तो अभी मैं बूट पे जाता हूँ, उस साइड पे करता हूँ. देखो ऐसे करोगे एंड ऐसे ऐसे करके ये जो पूरा सरफेस है आपको करना होगा. फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऐसे करके, उसके बाद ऐसा. उससे क्या होगा, कोई भी सरफेस छूटेगा नहीं. हालांकि इसका वीडियो मैंने डाला हुआ हूँ, जो मैंने KTM RC और ये 5 का जो क्लैडिंग पे किया था उसका. तो ऐसे करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सिरेमिक कोटिंग है उसको अप्लाई करना होगा. उसके बाद मतलब 2-5 मिनट आप सूखने के लिए छोड़ दो. उसके बाद जहाँ मतलब मैंने ये जो फेंडर है और ये जो बूट है ऑलरेडी मैंने किया हुआ हूँ. सो आपको करना यही होगा, माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है उससे जस्ट रैप करना होगा. क्योंकि इधर मैंने कर लिया तो, और 2-5 मिनट हो भी गया. तो और ये मेरा जो है सेकेंड कोटिंग है. वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं अभी तक के लिए ये छोड़ रहा हूँ वीडियो. तो अभी टाइम हो रहा है देखो सुबह का 7 बजे. तो बट मैंने ये ऑर्डर किया था मतलब दिसंबर महीने में, 25 दिसंबर के बाद. सो एक चीज़ मुझको मिला, ये जो है देखो, ये जो बटल है इसमें जो ये जो कवर है ना, देखो ये टोटली डैमेज मिला मुझको. और ये जो मतलब वाइट सा चीज़ है ये निकल रहा है यहाँ से. तो मैंने सुपर सिरेमिक कोटिंग में कांटेक्ट भी किया था, वो लोग बोला इधर मतलब डबल प्रोटेक्शन के साथ ये चीज़ आता है. और ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन एक्चुअली मतलब डैमेज है, तो उसके लिए वो लोगों ने सॉरी बोला. बट ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए, मतलब जब वो लोग ये चीज़ भेज रहे हैं वो उसको डबल चेक करके भेजना चाहिए था. बट क्या करें, हाँ ये चीज़ है क्या, मतलब ये जो लिक्विड है ये लीक नहीं हुआ, ये एक पॉइंट है. बट फिर भी मैं मतलब जब पूरा पैसा देके ख़रीद रहा हूँ तो मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा कि मुझको मतलब ठीक ठाक सा चीज़ मिले, ना ही कि डैमेज चीज़. सो यही एक बात है ड्रॉबैक. अदरवाइज अनदर वन इज़ एकदम परफेक्ट है ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसमें सिर्फ ये वाला दिक्कत आया, इससे पहले जो मैंने मैट कोटिंग का जो बटल मंगाया था उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं था, और कोई भी चीज़ में कुछ दिक्कत नहीं है. सॉरी. सो यू डू गेट वन माइक्रो फाइबर क्लॉथ फॉर दैट आफ्टर सिरेमिक कोटिंग फॉर रबिंग पर्पज. सो दिस ऑल अबाउट दैट थिंग. और मेरा गाड़ी भी ऑलमोस्ट क्लीन है. सो डन माई फास्ट कोटिंग. सो अभी देखो अभी 8:30 बज रहा है, मतलब 1.5 घंटा लगा एक कोटिंग के लिए. मतलब यू कैन से कि ऑलमोस्ट 10 ml के आसपास बचा है, और इसमें होता है 30 ml. तो
हालांकि मेरा जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग मैंने मैट फिनिश जो कोटिंग है उससे किया था पहले से, तो क्लैडिंग मैंने नहीं किया अभी। तो देखो फाइनल रिजल्ट, रूफ ये जो बोनेट साइड का क्लैडिंग मतलब साइड का फेंडर जो है, और डोर और जो बूट है। सो गाइस, हो गया मेरा डबल कोटिंग जो सिरेमिक कोटिंग का था, और अभी भी इतना तक बचा है, मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से कि 20 ml के आसपास बचा हुआ है, जिसमें मैं मेरा जो जिक्सर है वो भी कोट कर सकता हूँ। तो यही है, बाहर जाके मैं एक बार जो इसका रिजल्ट है वो दिखा दूँगा कितना क्या चमक रहा है क्या नहीं। और अभी मैं गाड़ी मतलब 1 week तक ऐसे ही रखूँगा, उसके बाद लेके निकलूँगा और इसका जो क्या रिव्यू है क्या, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो दूँगा। सो दिस इज़ फॉर नाउ फॉर दैट सुपर सिरेमिक कोटिंग हाउ टू डू ऑन टाटा पंच और एनी कार। सो या थैंक यू। और ये मतलब मैंने जब पहले वाला जो फास्ट कोटिंग किया था उसमें अराउंड 1.5 hours से ज़्यादा ही लगा था, बट इसमें नियरली 1 hour के आसपास लगा। तो सेकेंड कोटिंग पे टाइम कम लगता है।